Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is Piedmont Plateaus. The plateau which is situated in the foothills of mountain is called Piedmont Plateau. ऐसे mountains जो पहाड़ों के दामन यानी foothills में वाक़िया हों उसे Piedmont Plateaus कहते हैं. On the other side there is a plain a sea. Patagonia and Colorado are Piedmont Plateaus which have also been formed with the creation of mountains. इसके दूसरी जानब आम तौर पर मैदानी इलाका या समंदर होता है. पेटागोनिया और कोलोराडो जो हैं ये भी Piedmont Plateaus हैं जो कि पहाड़ों के बनने के दौरान ही वजूद में आ जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम Piedmont को समराइज़ करें तो ये पहाड़ों के दरमियान मतलब उनके फुट हिल्स में वाक़िया होते हैं और इनके एक साइड पर ज़्यादातर या आमतौर पर मतलब क्या होता है कि मैदानी इलाका यानी या समंदर होता है. और पेटागोनिया और कोलोराडो जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये भी तभी वजूद में आ जाते हैं जब पहाड़ बन रहे होते हैं, जब माउंटेन्स क्रिएट हो रहे होते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टीनेंटल प्लेटोस. The plateau which is surrounded by a plains by plains or sea is called a continental plateau. ऐसा प्लेटो जिसके चारों तरफ मैदान या समंदर वाक़िया हों continental plateau कहलाता है. Saudi Arabia, Spain and Greenland are continental plateaus. Saudi Arab, Spain और Greenland जो हैं ये continental plateaus हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर दी गई है कॉन्टीनेंटल प्लेटो की कि ये आप देख सकते हैं सेंटर में ये कॉन्टीनेंटल प्लेटो है और इसके सराउंडिंग्स में क्या है, ये सी है और ये इस साइड पे भी सी है. तो हमने यही इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिसके दोनों जानब समंदर या मैदानी इलाके हों ऐसे प्लेटो को कॉन्टीनेंटल प्लेटो कहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेन्स. प्लेन्स मैदान. Vast stretches of flat above the sea level are called a plain. ऐसे वसी इलाके को मैदान कहते हैं जो समंदर से ऊंचा हो और जिसकी सतह जो है वो हमवार हो, फ्लैट हो. Types of plains. Mountains and plateaus came into being due to uplifting of flat areas. Mountains और plateaus जो होते हैं ये flat area के uplift होने के बाद वजूद में आते हैं. But the areas which are not affected by the internal forces of the earth remain flat as plains. लेकिन ज़मीन के कुछ ऐसे इलाके जिन पर इंटरनल फोर्सेज का कुछ असर नहीं हुआ वो प्लेन्स की सूरत में बरकरार रहे, बाकी रहे. However, some of the plains also came into being by erosional and depositional processes. तहम कुछ मैदान ऐसे हैं जो erosional यानी कटाव और एंड डीपोजिशनल प्रोसेस यानी दोबारा जमा होने के अमल के बाद वजूद में आते हैं. यानी कि कुछ प्लेन्स, कुछ मैदान ऐसे हैं जो कटाव और दोबारा जमा होने के अमल के प्रोसेस के बाद वजूद में आए हैं. डियर स्टूडेंट्स, वर्ड है इरोजनल. इरोजनल कहते हैं कटाव को और डीपोजिशनल होता है इकट्ठा होना, जमा होना. यानी ज़मीन के कुछ पार्ट्स मतलब मैदानी इलाके इस तरह के वो पहले जो उनमें कटाव शुरू होता है और फिर वो एक जगह पर डीपोजिशन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. तो इस तरह भी कुछ मैदान जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वजूद में आते हैं. ऑन दिस बेसिस प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स. इन वजूहात की बिना पर मैदान जो हैं उन्हें दो बड़ी कैटेगरी में, दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. Erosional plains and depositional plains.